ये सिलसिला रांझा रांझा करदी के करेक्टर भोला से शुरू हुआ और उसके बाद राजे उल्फत में भी एक करेक्टर आया जो कि अब नॉर्मल था, और फिर औलाद में मोनिका करेक्टर, फिर फांस में शहजाद शेख का अब नॉर्मल करेक्टर, और अब सफ़र तमाम हुआ जो कि एक आने वाला हम टीवी का नया ड्रामा है, उसमें भी माहा हसन का एक अब नॉर्मल करेक्टर है। मुझे समझ नहीं आती कि हमारे मेकर जो हैं वो सीरियसली मेंटल हेल्थ के टॉपिक को रीच आउट करना चाहते हैं, उस पर बात करना चाहते हैं, या वो सिर्फ लाइमलाइट या पब्लिसिटी लेने के लिए या ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए इस बोल्ड टॉपिक पर बार बार बात करते हैं, या कोई ना कोई करेक्टर एक ड्रामे में लाजमी लेके आते हैं। तो बात करते हैं सफ़र तमाम हुआ के दोनों टीजर्स के बारे में जो कि पिछले कुछ दिनों पहले लॉन्च किए गए। तो मुझे अली रहमान, मदिया इमाम और सैयद जिब्रान स्टारर ये ड्रामा काफ़ी टिपिकल लगा। इसकी जो टैग लाइन है कि मोहब्बत की रिप्लेसमेंट नहीं होती, रिश्तों की हो जाती है, ये लाइन मुझे सुनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। लेकिन जब मैंने दोनों टीजर्स फुल देखे तो मुझे कोई इतनी खास एक्साइटमेंट नहीं हुई। ये ड्रामा वही टिपिकल स्टोरी पे चल रहा है, मतलब कि अली रहमान के मामू की बेटी, उनके घर रहना, फिर उनकी कहीं और शादी हो जाना, वही घिसा पिटा कॉन्सेप्ट रिपीट किया जा रहा है बार बार। तो अगर आपने ये दोनों टीजर्स देखे हैं तो आपको कोई एक्साइटमेंट हुई या नहीं, या आपको इसकी स्टोरी थोड़ी हटके लगी? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगी, वही रिपेटिटिव स्टोरी है, वही सेम लाइन चल रही है, दो लड़के एक लड़की, एक लड़की दो लड़के, इस तरह का कुछ चल रहा है। तो मुझे ये टीजर दोनों इतने अच्छे नहीं लगे। बाकी अगर इतने दो टीज़र से भी जज नहीं किया जा सकता, बाकी जैसे तीसरा टीज़र या कुछ इसका ट्रेलर वगैरह आता है तो फिर हम देखेंगे ये ड्रामा अच्छा है या नहीं। अगर आपने ये टीज़र्स देखे, आपको ये टीज़र कैसे लगे, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।